हे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मोल्ड से प्रॉपर तरीके से फेस कैसे बनाते हैं और उस फेस को अच्छे से फिनिशिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फेस का मोल्ड ले लिया है। अब इस मोल्ड के अंदर मैं मिट्टी डाल के अपने उंगलियों से अच्छे करके मिट्टी को मैं प्रेशर दूंगा। दोस्तों, मोल्ड के अंदर आपको दो लेयर का मिट्टी देना पड़ेगा। जो फर्स्ट लेयर है, उस लेयर में आपका फेस का जो डिटेलिंग है वो सब आएगा, तो इसलिए फर्स्ट लेयर का जो मिट्टी होता है वो मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्लीन होना चाहिए। और जो सेकंड लेयर का मिट्टी होता है वो थोड़ा स्ट्रांग मिट्टी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने दो लेयर का मिट्टी बना लिया है पहले से ही। जो फर्स्ट लेयर का मिट्टी है वो आप कैसे बनाएंगे, तो चिकनी मिट्टी है और जो रेतीले मिट्टी है यानी कि सैंड भरी मिट्टी, दोनों को आधा आधा करके मिलाएंगे तो फर्स्ट लेयर का मिट्टी बन जाएगा। और जो सेकंड लेयर का मिट्टी है, इसमें मैं चिकनी मिट्टी के अंदर घास फूस मिलाया है। आप चाहे तो चिकनी मिट्टी के अंदर जूट भी मिला सकते हैं। ये देखिए, मैं मिट्टी के अंदर जूट मिला रहा हूँ, इससे क्या होता है मिट्टी बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ये देखिए, ये जूट मिट्टी बन गया है। तो ऐसे करके आप ये सेकंड लेयर का मिट्टी बना सकते हैं। तो मोल्ड के अंदर आपको ऐसे दो लेयर का मिट्टी अच्छे से देना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप पहला लेयर का मिट्टी देंगे उस टाइम पे मोल्ड के अंदर मिट्टी को अपने उंगलियों से जितना अच्छे से आप दबाएंगे ना, उतना अच्छे से ही आपका जो फेस है उसका डिटेलिंग अच्छा आएगा। तो जब पहला लेयर देंगे तो अच्छे से अपने उंगलियों से मिट्टी को दबाइएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेयर दीजिएगा। देने के बाद आप देखिए, ये देखिए, अब सेकंड लेयर का जो मिट्टी है उस मिट्टी से ऐसे करके यू शेप का एक बांध लेना है और इसको मोल्ड के दो हिस्से में ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। अच्छे से लगाना है ताकि फेस से ये ना छूट जाए। और ऊपर थोड़ा क्रैक जैसा आ गया है, ये देखिए मैं अपने उंगलियों से ठीक कर देता हूँ। अब दोस्तों, इस फेस को जब आप कोई मूर्ति में लगाएंगे तो उसके लिए गले के जगह पे एक होल होना चाहिए, तो इसलिए देखिए मैं गले के जगह पे एक होल रख दिया है ताकि यहाँ से आप गले को अच्छे से फिट कर सके। ये देखिए, ये जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक राउंड शेप का एक होल मैंने बना दिया है। तो ये करने के बाद आप फेस को खींच के निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोल्ड है तो इसलिए आप इस फेस को खींच के निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैं फेस को खींच के आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे फेस को खींच के निकाल रहा हूँ। ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, नहीं तो ये मिट्टी पूरा टूट जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने फेस को निकाल लिया है। अब आप देखेंगे फेस में जगह जगह पे क्रैक जैसा बन गया है। अब जब भी मोल्ड से फेस निकालते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो आप घबराइए मत, ये सबका होता है, तो इसको ठीक करना होता है। लेकिन अभी नहीं, अभी इस फेस को थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, क्योंकि फेस बहुत ही नरम है, तो इसीलिए फेस को धूप में सुखाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, फेस को सीधा नहीं, उल्टे करके दीजिएगा। ये देखिए, फेस जो है, फेस धूप के ऑपोजिट साइड में रहना पड़ेगा, नहीं तो फेस क्रैक हो सकता है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा फेस सूख गया है, अभी इस फेस को अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अपने उंगलियों में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब अपने उंगलियों से ऐसे रगड़ते रगड़ते पूरा फेस को अच्छे से, जो भी क्रैक जैसे बन गया था उसको ठीक करना पड़ेगा। और बहुत टाइम क्या होता है, फेस को मोल्ड से निकालते टाइम पे फेस कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाता है, कहीं पे नाक टूट जाता है, आंखें टूट जाता है, कहीं पे होल हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप फेस को फिनिशिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपने साथ थोड़ा सा मिट्टी रखिएगा, जो फ्रेश मिट्टी है, जिस मिट्टी से आप फेस को जब पहला लेयर बनाया था उस मिट्टी, तो वो मिट्टी आप रखिएगा अपने साथ में। तो जहाँ पे कहीं पे टूट गया नाक या फिर आंखें, तो वहाँ पे मिट्टी लगा के उसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी देखिए मैं इस फेस को ना माँ काली का फेस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक माँ काली का मूर्ति बनानी है। तो इसलिए देखिए, मैं एक नॉर्मल फेस को माँ काली के फेस में बना रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जो नॉर्मल फेस का जो नीचे का लिप्स है, उस लिप्स को मैंने काट के दांत बना दिया, और उस दांत के नीचे से मिट्टी से मैं जीभ बना दिया, ठीक है। जो फेस का मिट्टी है उसी मिट्टी से मैं नीचे का जो जीभ है उसको बना दिया, ठीक है। तो ऐसे करके एक नॉर्मल फेस से आप माँ काली का फेस बना सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी इस फेस को मैं अच्छे से अपने उंगलियों से पूरा क्लीन कर दिया, और देखिए क्ले टूल से माँ काली का दांत बना दिया, जीभ बना दिया। इसके बाद पूरा फेस को अच्छे से क्लीन करना होगा, यानी कि ये देखिए, मैंने एक ब्रश ले लिया है, ये एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है। इस ब्रश से मैं पूरा फेस को अच्छे से ब्रशिंग कर रहा हूँ। अब इस ब्रशिंग करने के बाद ही फेस हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब आप क्या करेंगे, इस फेस को धूप में सुखाएंगे, सुखाने के बाद इस फेस को आप कोई भी मूर्ति में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फेस बनाना सीखना चाहते हैं और उसको मोल्ड करना सीखना चाहते हैं, तो आप ऊपर में ये जो राइट वाला वीडियो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप बहुत ही छोटा सा एक फेस बना सकते हैं और उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।